नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSNL के रिचार्ज को लेकर, इसी के साथ में 5G 4G नेटवर्क को लेकर, इसी के साथ में 5G प्लान को लेकर, इसी के साथ में सिम अगर आप पोर्ट करा रहे हैं तो आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, वरना आपके जो पैसे हैं वो समझो डूब जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ में कई सारी जो भी बातें हैं, अगर आप BSNL की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, ठीक है। तो इस मोबाइल की जो स्क्रीन है आपको बराबर में दिख रही है, क्योंकि मैं यहां पर अभी BSNL की जो सिम है मैं चला रहा हूं, और जो मेरे हाथ में आप फोन देख रहे हैं हैंडसेट, वो 5G है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके रिचार्ज की, क्योंकि जो लोग हैं वो ज़्यादा इसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है, कि जिसके प्लान हैं वो सस्ते हैं, ठीक है। तो प्लान कितने सस्ते हैं वो भी आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यानी कि 2GB यहाँ पर मुझे डाटा मिला है, ठीक है, जो कि इसकी एक्सपायरी डेट है यहाँ पर 31 अगस्त 2024। मैंने 100 रुपये की तो यहाँ पर सिम ली थी, और यहाँ इन्होंने जो प्लान है वो यहाँ पर दे रखा है, यानी कि एक मंथ वाला इन्होंने यहाँ पर जो प्लान है मुझे यहाँ पर दे रखा है, जो कि 249 रुपये में मिलता है, ठीक है, वो प्लान इन्होंने दे रखा है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम सिम लेते हैं तो हमें शुरुआत में प्लान सस्ते ही मिलते हैं, कि 97 रुपये में हमें मिल गया है 2GB डाटा, 15 दिन की वैलिडिटी, और जो कि कॉल है वो आप यहाँ पर अनलिमिटेड कर सकते हैं। ज़्यादातर जो रिचार्ज हैं वो करवा रहे हैं ये वाला, यानी कि 147 रुपये वाला, ठीक है। अब 147 रुपये में 10GB तो डाटा मिल जाता है, और इसी के साथ में लोकल STD कॉल्स मिल जाती है, और यहाँ पर आपको 30 दिन की वैलिडिटी मिल जाती है, ठीक है। इसी के साथ में आपको BSNL की टून भी यूज करने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके यहाँ पर इतने ज़्यादा सस्ते प्लान है, ठीक है। अगर यही प्लान आप जाओगे खाली कॉलिंग को लेकर, ठीक है, वहां पर आपको 200 रुपये का में ये मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में अब इसमें एक साल वाले की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो एक साल में यहां पर आपको 2300 लगभग 2400 रुपये आपको देने होंगे, आपको 2GB डाटा मिलेगा पर डे, ठीक है, 395 डे के लिए, ठीक है। देख सकते हैं इसमें दिन भी बढ़े हुए हैं, 365 की एक ईयर होती है, ठीक है। पर वहां पर अगर आप यही प्लान जाकर अगर आप एयरटेल में जाते हैं तो कम से कम आपको 4000 रुपये के पड़ेंगे, तो लमसम यहाँ पर करीब 1500-1600 रुपये का यहाँ पर अंतर आ जाता है। BSNL का नंबर था जो पहले, ठीक है, तो वो मिलना इतना ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा, यानी कि कुछ ही लोगों के पास ये नंबर होते थे, ठीक है। पर एक वक्त ऐसा आया कि इसके जो नंबर हैं वो तो सभी के पास होने लगे, ठीक है, पर इसकी जो सर्विस है बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी, क्योंकि ये एक सरकारी सिम है, यानी कि BSNL आप जानते हैं एकदम सरकारी है, और इसके जो टावर हैं पूरे भारत में लगे हुए हैं, ठीक है। पर ऐसे में हो क्या रहा है, जैसे कि इसके जो कुछ कर्मचारी लोग थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा ही धांधलेबाजी की, ठीक है। और आप जानते हैं जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं उनमें जो धांधलेबाजी है, जो कि घोटाला है, वो बहुत ही कम रिस्क होता है, ठीक है। पर जो सरकारी होती है तो उनके अंदर जो लोग कर देते हैं कर्मचारी लोग, तो इस वजह से ये कंपनी लगातार घाटे में ही चलती गई, ठीक है। और अब तक 18 से 20 करोड़ रुपए पर ईयर का ये नुकसान यहाँ पर झेल रही है, ठीक है। पर अब यहाँ पर देख कर लग रही है कि जो इसके रिचार्ज हैं वो सस्ते हैं, पर जियो, एयरटेल और BI के जो प्लान हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, और इसी चीज़ को लेकर लोग छोड़ रहे हैं और वो BSNL की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में लोगों को एक बात मैं आपको और भी कहना चाहूँगा, शायद ही क्योंकि अगर लोगों को थोड़ा बहुत कंप्राइज में करना पड़े, यानी कि थोड़ी बहुत परेशानी झेलना पड़े तो वो झेल लेंगे, पर उन्हें थोड़ा सस्ती चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, यानी कि कम स्पीड वाला कोई काम करते हैं तब तो ये आपके लिए सिम अच्छी है, ठीक है। अब यहाँ पर नेटवर्क की बात कर लेते हैं, तो 4G नेटवर्क है अभी इसके हर जगह नहीं है, ठीक है, इसके जो 4G नेटवर्क है वो इसके हर जगह नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको इसका लाइव डेमो दिखा देता हूँ, ठीक है। आप ऊपर में ही देख पा रहा है BSNL की सिम है और एयरटेल की सिम है मेरे फोन के अंदर, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर और फोन देख पा रहा है, आप 5G है मेरा और 5G नेटवर्क भी आ रहा है एयरटेल में, ठीक है। अब यहाँ पर इस समय जो लोकेशन है मैं एक सिटी में समझो हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसके जो एयरटेल वाला है मैं इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है।
सिम कार्ड के लिए एयरटेल वाले के लिए मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बीएसएनएल की ऑन रह चुकी है, आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसको जो नेटवर्क है वो यहाँ पर ऑन करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 4G नेटवर्क आ रहे हैं। ठीक है, जो कि मैं बरेली सिटी में हूँ, ठीक है, इस समय। तो यहाँ पर जो 4G नेटवर्क आ रहे हैं इसके, ठीक है, 5G नेटवर्क के लेकर काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाई है, तो मैं आपको बता दूँ ये अभी 4G पर ही काम कर रहा है। 5G तो बहुत दूर की बात है, अभी इसने 5G का कहीं पर भी लगा दिया हो तो लगा दिया हो, पर 5G नेटवर्क अभी इसके लॉन्च नहीं हुए हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सोशल मीडिया से और कई जगह से भी जानकारी निकाली है, पर ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं मिली है। ठीक है, कि इसके जो 5G नेटवर्क हैं वो लग गए हैं। ठीक है, पर जो कि टाटा जो रतन जी हैं उन्होंने इसमें 4G अभी यहाँ पर ये लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, पर वो ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज कर रहे हैं जो कि 5G नेटवर्क को बहुत ही जल्दी जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 5G नेटवर्क इसका कोई अभी है ही नहीं। ठीक है, 4G नेटवर्क है। अब चलिए हम इसके इंटरनेट की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि 4G है। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्पीड वगैरह है वो किस तरीके की है देख सकते हैं यहाँ पर अभी। ठीक है, यानी कि सिटी के अंदर हूँ इसलिए यहाँ पर अच्छा चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कोई भी चीज़, अगर हम जैसे कि अपलोडिंग वगैरह का काम करते हैं या फिर डाउनलोडिंग वगैरह का कोई काम करते हैं, ठीक है, तब आपके लिए अगर आप ज़्यादा ही हाई स्पीड चाहते हैं तब तो इसका आप कुछ भी वैसे वाईफाई ले सकते हैं। फिलहाल अगर आप गांव देहात में रहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि गांव देहात में तो जो इंटरनेट छोड़ो इसके सिग्नल ही ढंग से नहीं आते हैं, क्योंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र एरिया में ही रहता हूं, तो मैं यहां पर सिटी में भी रह रहा हूं। ठीक है, रेंट पे ही रह रहा हूं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं इसका जो इंटरनेट है वो अभी ये 4G पर ही काम कर रहा है। ठीक है, 5G इसका इंटरनेट अभी यानी कि नेटवर्क नहीं है। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया कि इसके 5G नेटवर्क नहीं है, 4G पर ये काम कर रहा है, और 4G भी हर जगह नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिटी वगैरह में ज़्यादातर पहले लगाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र एरिया में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता है ही। इसके प्लान्स हैं, प्लान की बात कर लेते हैं। प्लान तो इसके सस्ते ही हैं, क्योंकि इसमें अगर छोटे प्लानों की हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें आपको 150 रुपये का मिल जाएगा, तो उसमें आपको वही प्लान 200 रुपये में मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में ये एकदम सरकारी सिम है, इसकी जो सुविधा है वो सस्ती ही रहेंगी। ठीक है, इसी के साथ में अगर आपके आसपास नेटवर्क आता है, ठीक है, तब आप इस सिम को ले सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप पोर्ट करा रहे हैं और आपको लग रहा है, आपको पता नहीं है इस चीज़ के बारे में कि नेटवर्क है कि नहीं है, अच्छा, ठीक है, तो आप क्या करें, एक नया कनेक्शन ले लें और उसके बाद में आप उस कनेक्शन यानी कि सिम कार्ड के लिए यूज करें, और आपको लग रहा है कि सही है तब आप उसे पोर्ट करा लें। अगर आप पोर्ट करा लेते हैं तो आप 90 दिन के लिए BSNL में चले जाएंगे, और 90 दिन से पहले आप BSNL से किसी दूसरे सिम कार्ड के नहीं ले सकते हैं, यानी कि पोर्ट नहीं करा सकते हैं फिर। ठीक है, तो आप एक नया कनेक्शन ले लीजिएगा, उसके बाद में सही इंटरनेट चलता है आपके हिसाब से तब आप इसे पोर्ट करा लीजिएगा। तो ये एकदम बहुत ही अच्छा बेहतर तरीका है। ठीक है, और इसी के साथ में आप काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि इस सिम के लिए हम किस तरीके से मंगवा सकते हैं, क्योंकि कई जगह मैंने देखा है कि नहीं मिलती है सिम। ठीक है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र एरियों से हैं तब, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल यहाँ पर लिखना है BSNL। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BSNL। ठीक है, देख सकते हैं BSNL की जो सिम वगैरह है और जिसके प्लान्स वगैरह, देखते हैं लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि प्राइस, तो प्राइस तो इसके 100 रुपये में ही मिल जाती है सिम। ठीक है, और जितने प्लान आप महंगा वाला कराएंगे तो उसी हिसाब से ही आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पर देखने को मिल गया है ऑनलाइन। ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करके और आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। ठीक है, पोस्ट पेड भी मंगवा सकते हैं, प्रीपेड भी मंगवा सकते हैं, और आप न्यू कनेक्शन और पोर्ट आप यहीं से ही ऑनलाइन ही करवा सकते हैं। ठीक है, ये सारे काम, तो इनसे रिलेटेड अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं अपना जवाब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।